चीज दिख रही है आप हमारे नॉलेज में लेके आइए, वॉकआउट उस पर आबाद करने का काम हो सकता है तो आबाद करेंगे, हिसारबंदी करने का काम है तो हिसारबंदी का हम करेंगे, उसको जो भी हिफाजत उसके तहत आने वाली जायदाद हो दो या मस्जिद हो दो स्ट्रक्चर को होने दो, अगर वहां पर आबाद करने का सिचुएशन है तो हम आबाद करेंगे या उसको हिसारबंदी करके उसको सेफ करने का काम है तो वॉकआउट की जानिब से पूरा पूरा किया जाएगा। मैं आपके जरिए तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, ऐसे कहीं भी रहे तो आप हमारे नॉलेज में लेके आएंगे, इमीडिएट उसके ऊपर वॉकआउट उसके ऊपर एक्ट करेगा। बजट आ गया तो अभी क्या वो बजट आने के बाद उसको रिलीज करेंगे, 3-3 साल से बच्चे खेल रहे हैं तो उसका कैसा होगा? पिछली बार का तो बजट है मालूम, लेकिन अब जो बजट है ये हमारे बजट पर इमीडिएट गवर्नमेंट है, सो इसको इमीडिएट आप देखिए पिछले गवर्नमेंट आने के बाद पिछले बजट में उन्होंने लेके हम बजट रिलीज करके उसको वैसे रख दिए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 4 महीने में 600 करोड़ गवर्नमेंट इमीडिएट स्पेंड कर दी माइनॉरिटीज के लिए, तो माइनॉरिटीज का जो बजट हम जो हो सा वही हम वहाँ पे बजट में रखे, तो हुकूमत का ये सिर्फ फिगर देके खुश करने का नहीं है, कांग्रेस हुकूमत का हमारे रेवंत रेड्डी साहब का, हमारा यही है कि जो हम बजट रिलीज जो हम वादा किए हैं उसको पेपर पे लाएंगे और जो पेपर पे लाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो जितना भी बजट हमारे को अलोकेट किया गया हम तमाम लोग मिलके उसको रिलीज करवाएंगे और स्पेंड करने का भी हम काम करेंगे। सर वो रिकॉर्ड रूम ऑलमोस्ट खुलने में कलेक्टर से हमारे को हैंड ओवर करने का है, वो बातचीत चल रही है, वो जल्द से जल्द उसको हम हैंड ओवर ले लेंगे उसको। बहुत बहुत अभी आपके आपका ब्रेकडाउन क्या है, आपके अटेम्प्ट्स का टोटल बजट क्या है सर? 951 है। तो पिछले साल को आपको डिफरेंस क्या है? 783 था पिछले साल, 951 है, वही तो बता रहा हूँ, 21% एडिशनल बजट आया है। स्पेशली ये जो बिल्डिंग के लिए आप जो परसों दौरा करेंगे उस पर कोई स्पेशल बजट आप एलोकेट करेंगे? तो प्लान करना है ना पूरा बजट को, अभी तो सब डिवाइड करना है, ऑलमोस्ट 18-20 स्कूल्स का 10% लास्ट काम रुका हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो रही है कि हम अपने ओन प्रेमिसेस में आ जाए, ताकि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अपने ओन प्रेमिसेस में आए तो वहाँ पे फैसिलिटीज और प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये नहीं है, कल्चर लाना है, जो प्राइवेट स्कूल में जो कल्चर रहता है वो कल्चर लाना है, बच्चों को खाली पढ़ाई के साथ थोड़ा रिक्रिएशन भी रहना है और थोड़ा इस्लामिक उनको वो पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल टुगेदर हम प्लान करके बजट डिवाइड करके फेस वाइज मैनर में उसको हो सकेंगे।